पिछली बार आपके गाने सुनने मिले थे पर आपको देखने नहीं मिला था, एंड इस बार आपके फिर से दोबारा गाने सुनने मिलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है? सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें नया यही होने वाला है कि इसमें लेजेंडरी सिंगर्स जो हमारे हैं और जो लेजेंडरी म्यूज़िक रहा है 90s का, आप जानते होंगे कि 90s के अभी स्पेशल रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं और दादा बार बार वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, 90s के गाने इतने इनके हिट हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम उसी मेलोडी को जो हम लोग ने की है, जो कि एक बोलते हैं जो टाइम का जो लैप्स होता है वो पास कर गई है, ये गाने 15-15, 20-20 साल पुराने अभी तक और चल रहे हैं ये, तो वो जो मेलेडी का पावर था, ये जो इनकी आवाज़ थी सुंदर जो ऐड करती थी, तो मैं बोला इसी को क्यों ना हम वापस करें। तो शानुदा को गवाया मैंने अलका जी के साथ बहुत टाइम के बाद, तो ये गाने इतने अच्छे लग रहे हैं लोगों को, क्योंकि नॉट दैट कि आजकल का म्यूज़िक अलग है, तो हमने वही मेलेडी लाने की कोशिश की है जो कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की है। सो इट्स वेरी रेयर कि वो जो गाने अब हम रिकॉर्ड किए हैं उसको लोगों ने इतना ज़ोर से पकड़ा है, इतने उसके फीडबैक आए हैं हमको कि ऐसा लगे कि कमाल हो गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रेंकली, बट अनप्रेसिडेंटल लोगों को पसंद आया इसमें। ओके शानू सर, आपने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने दिए हैं इंडस्ट्री को ऑलरेडी, तो बहुत ही मुश्किल हुआ होगा ये डिसाइड करना कि कौन सा गाना होने वाला है, तो कौन कौन से गाने सुनने मिलेंगे रिटर्न हमें, अभी जो इस फ्लेम्स में सुनने मिलने वाला है, कौन कौन से गाने होंगे इसमें? बेसिकली 3 ही गाने हैं, और दादा शानुदा और अलका ने एक डुएट गाना है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और एक गाना इसमें मैंने गाया है और एक गाना अभिजीत ने गाया है। नहीं, पहले कुछ इनको बोलने दीजिए गानों के बारे में। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्वेश्चन ही नहीं है इनके पास, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है, यहाँ नहीं है क्या? ओके सर, सो आज की अगर गानों की बात की करें तो सर ने जैसे कि कहा कि यू नो इट्स नॉट लाइक कि गाने लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो चार्म पहले हुआ करता था आप लोगों के गाने में, वो चार्म कहीं ना कहीं खत्म हो गया, जहाँ पे गाने ज्यादा चलते नहीं है, तो क्या रीजन इसके पीछे? आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं, ना चलने वाली कौन से गाने की बात? अभी के लिए जो लेटेस्ट सॉन्ग्स होते हैं उनके लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, ये लैक ऑफ मेलोडी, लैक ऑफ मेलोडी। और सबसे बड़ी बात है कि गाना आज भी अच्छा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि गाना नहीं बन रहा है, गाना जैसा फुट टैपिंग सॉन्ग जैसा नाचो और गाओ, ये गाना भी बन रहा है, और उसमें साथ साथ कुछ गाने ऐसे भी बन रहे हैं जो हिस्ट्री में रह जाएगा, ऐसा भी गाना बन रहा है, तो उनमें से ये एक गाना है जैसा इस तरह के गाने बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहे वो लोग, हाँ ऐसा ऐसा नहीं कि गाना नहीं बन रहा है। और उस समय इस समय का गाना देखिए, मेलोडी कभी नहीं मरेगी, आपको घूम फिर के मेलोडी में आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी क्या है कि लेस क्वांटिटी हो रहा है मेलोडी, बट मेलोडी इज देयर। अभी एक हमारा एक ट्रैक से निकल के अलग ट्रैक चला गया था सब लोगों का, जो हमारे जो जितने भी म्यूजिशियंस है जितने भी सिंगर्स है, तो अभी फिर से वो पाथ में आ रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रहा है, क्योंकि अभी आई एम सिंगिंग, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं जितना भी गाना अभी गा रहा हूँ रेगुलर, कम से कम 8 फिल्म में अभी मैं गाना गा दिया, सारे बड़े फिल्म में, तो वो क्यों गवाएंगे हमको? लाइक करण जौहर, लाइक रोहित शेट्टी, इनका गाना मैंने अभी लाइन से गा दिया, जैसे वरुण धवन, तो ये जो गाने जो है ये गाने अभी सब मेलोडी वापस आ रहे हैं, डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जहाँ मेलोडी वापस आएगा वहाँ पे ये लोग, हम लोग, बाकी लोग सब नजर आएंगे, डोंट वरी, हम लोग कहीं नहीं गया है, इंटैक्ट है। सो फिर भी यू नो कितने सिंगर्स हैं जो अभी भी डिसअपॉइंटेड है कि कहीं ना कहीं यू नो अभी के म्यूजिक को लेकर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो एकदम कोई नेगेटिविटी इसमें है ही नहीं, आज के म्यूजिक में देखिए गुड भी होता है बैड भी होता है, उस जमाने में भी जब होता था तो कुछ खराब म्यूजिक भी होता था, अच्छा म्यूजिक भी होता था, तो उस समय क्या म्यूजिक बेटर म्यूजिक का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, खराब म्यूजिक थोड़ा कम था, अब थोड़ा खराब म्यूजिक ज़्यादा है, बेटर म्यूजिक थोड़ा कम है, यही सब फर्क है और कुछ नहीं है। बाकी हाँ, मुझे एक और चीज़ लगती है, आजकल के ज़माने में राइटिंग भी थोड़ी बिखर गई है। पहले बहुत शायरी हुआ करते थे, मजरू
आनंद बख्शी, ये बहुत लेजेंडरी लोग थे, उन्हीं के गाने हमने, वो शायरी शायरी हुआ करता था, देर प्रॉपर उर्दू के साथ वो लोग आए थे जी। एंड उसमें एक हर गाने में एक स्टोरी होता था, हर गाने में एक प्यार मोहब्बत की अलग ही कुछ दिशा देते थे गाने लिरिक्स के जरिए, एंड उसके ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर काम करते थे। तो आज थोड़ा लिरिकली डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम नाउअडेज लिरिकली, तो बस ठीक है, बाकी तो चल रहा है, ऐसा तो होता ही है हमेशा। देखो जतिन ललित के साथ आज का हमारा आज का एसोसिएशन नहीं है, ये हम आपको बताते हैं कौन सा पहला मूवी था हम लोग, राजू बन गया जेंटलमैन 1991 90 से, ना 90 से, 90 से राजू बन गया जेंटलमैन वाज आवर फर्स्ट फिल्म हिट, लवेरिया हुआ एंड और भी गाने उसमें थे। दादा के साथ तो जितनी पिक्चरें की जितने सारे मैक्सिमम मतलब हिट ही हिट है, मैक्सिमम हिट गाना, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है किसी का जो तो ये दोनों के साथ हमारा एसोसिएशन शुरू से ही है, और चाहे वो जतिन हो चाहे वो ललित हो, ये लोग हमारे बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, एंड बहुत ही हम लोग मजा करते हैं आपस में। एंड म्यूजिक जब होते थे तो हम लोग को याद है कि हम लोग झगड़ते भी थे बहुत जबरदस्त, और प्यार भी बहुत जबरदस्त होता था, मगर जो झगड़ा होता था वो म्यूजिक के ऊपर हेल्दी है, ये कुछ बोलते कि नहीं मैं इसको ऐसा करूंगा, तो हम बोलते नहीं इसको थोड़ा ऐसा कीजिए, तो वो बस वही हेल्दी है, हेल्दी हेल्दी था वो झगड़ा, क्या ऐसा झगड़ा नहीं कि तू कौन है मैं कौन हूं, ऐसा नहीं, वो हेल्दी झगड़ा था, क्रिएटिव में होता है, क्रिएटिविटी में जी। ओके, अलका मैम और शानू सर है, लेकिन कहीं ना कहीं उदित सर की जो कमी है वो हमें करेगी, क्योंकि इनकी इनकी जब इनका जब नाम लिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं आते हैं, तो आपने उनके बारे में सोचा नहीं, आपने उनके बारे में, मैंने उनके बारे में सोचना कम कर दिया फ्रेंकली आपको बताता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दिल ज़्यादा मिलने की बात होती है, मेंटल ट्यूनिंग, हाँ मेंटल ट्यूनिंग मेरी डेफिनेटली इनसे बहुत ज़्यादा है, और उदित के साथ भी है, मगर उदित थोड़ा अलग टाइप का मूडी आदमी है, तो मैं खुद ही दूर रहता हूँ तो मैंने मेरे हिसाब से बहुत लोग दूर रहते हैं। जी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कंपोजिशंस जो बना था, आप कंपोजिशंस सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हम दोनों के लिए ही बना हुआ है, तो ही नोज के व्हाट कैन वी डू, तो ये एक म्यूजिक डायरेक्टर का हमारा ट्यूनिंग यही है, ये जानते हैं कि हमसे क्या काम कराएंगे, ये पहले से जानते हैं, तो ये ट्यूनिंग होता है, इसको बोलता है ट्यूनिंग, तो ये चीज़ हम लोगों में है, और हम पहले से ही ओवर श्योर था कि ललित मुझे बुलाया गाने के लिए, तो मैं ओवर श्योर था गाना मेलेडियस होगा और थोड़ा सा कठिन वटिन हो सकता और है, ये चाहिए। था। हाँ, और मैं ही चाहिए, मैं ही वो चाहिए। मेरे लिए बनाया वो मुझे ही चाहिए होगा, उसको वो किसी और से गवाएंगे, क्योंकि मेंटल स्टेटस उस तरह से बन जाता है कि भाई मेरा ये बच्चा है, ये सानुदाई गा सकते हैं, सानुदाई गाएगा, तो उस तरह से मुझे मालूम था। एंड आके हम लोग जब गाना रिकॉर्ड किया, सो वी आर सो हैप्पी दैट डे कि मुझे इतना अच्छा लगा, हम लोगों ने फटाफट उस गाने को रिकॉर्ड किया, फिर रात को एंजॉय किया, बातें किए, मजा किए, तो टोटली इस तरह से गाना हुआ, एंड दैट्स व्हाई गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा है। ओके, सो आजकल के सॉन्ग्स के बात करें तो यू नो लोगों के टेस्ट सॉन्ग्स को लेकर भी चेंज हो गए, जहाँ पे लोग ज्यादातर पॉप और यू नो वैसे डांसिंग नंबर्स वगैरह को ज्यादा पसंद करते हैं, इस पर क्या ख्याल है? देखिए मुझे जो लगता है ना दादा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तो वो सुनेंगे जो आप देंगे, और हम लोगों को जो फीडबैक आते हैं, पीपल आर क्रेविंग, आई टेल यू द वर्ड क्रेविंग, दे वांट टू लिसन टू गुड मेलोडीज, दे वांट टू लिसन टू द सॉन्ग्स दैट हैव बीन डन इन यस्टरडेज, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, आप एक चीज़ सोचिए, ये 90s के प्रोग्राम इतने क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये मेलोडी आगे चल के भी फेड आउट नहीं हुई, तुझे देखा तुझे जाना सनम गाना कभी फेड आउट होगा क्या आपको लगता है? इटर्नल हो गए ये गाने, दीज आर ना कल्ट सॉन्ग्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। आपको मेरे को लगता है कि आपको ट्रेंडिंग देखना चाहिए अभी का ट्रेंडिंग, आप यूट्यूब वगैरह सब जाते हैं ना, तो ट्रेंडिंग में आप देखना कि हम किस पोजीशन में हैं, अब यू शुड फाइंड दैट, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस पोजीशन में हैं। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्पॉटिफाई करके एक है यहाँ पे जी, तो स्पॉटिफाई मेरे को, मैं मेरा मीटिंग था, मैं वहाँ गया तो वो लोगों ने मेरे को स्क्रीन पे खोल के दिखाया कि आपका लास्ट 7 डेज का आप दिखा रहा हूँ हमको,
कि आपका फॉलोअर कौन कौन सा एज का है और कितना फॉलोइंग है, कितना कुछ है, एकदम पूरा डिटेल्स में लोगों टीवी के में सब रिसेंट सिनेमा में दिखा रहा है, सिनेमा जैसा। मतलब वो लोग जो कब उनके टाइम पैदा भी नहीं होंगे जब वो गाने, आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, 18 से 27 साल मेरा 56% मेरा फैंस है, 18 से 27 साल, कैन यू बिलीव दिस, एंड 27 से 45 तक का 33%, उसके बाद 18 है 16 है, फिर नीचे है 8 6 जो एकदम छोटे छोटे बच्चे। तो ये देखने के बाद ना मैं समझा इंक्रीमेंट होता है कि ये जो हमारे प्रोग्राम में जो लाख लाख लोग आते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम जो हाउसफुल होता है, व्हाट इज द रीजन, एक 18 साल का 20 साल का लड़का आके ऐसे गाने रिक्वेस्ट करते हैं ना, एक 18 साल का लड़का इस तरह छोटा छोटा दाढ़ी लेके इतना एकदम हरा कलर का बाल ये सब लेके आके मुझे को पूछ रहा है काश के हम वो गाना गाएं। देखिए मैं एक कुमार शानू के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, म्यूजिक जो होता है और जो सिंगिंग होती है ना, सिंगिंग स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ लगनी चाहिए आपको, इनकी आवाज़ में ही वो बात है, जो इमोशन जो ये लेके आते हैं वर्ड्स में और सॉन्ग में, वही बहुत ज़्यादा खासियत है इनकी। एक गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही लेवल में पूरा गा दें, उसके डायनामिक्स होने चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी होती है, वो इनमें भर के भरी पड़ी है, और इतनी भरी पड़ी है कि जब गाना गवाते हैं तो ये जो खुद ऐड करते हैं उसमें, दैट प्लेज अ मेजर पार्ट। कितना खूबसूरत इनका रेंडिशन है, और ये गाना भी ऐसा लगता है ये इन्हीं के लिए बना। अब ये उदित को मैं कहाँ से गवा दूँ बताइए। जिसकी जो गाना होता है उसको ये नसीब, ये नसीब की बात है, आपको जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ ना कोई नहीं छीन सकता। हाँ, सो डोंट थिंक अबाउट, जो होता है होने दो। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? बोलो सर, गाना लिखा किसने? ये आलोक रंजन झा ने लिखा है गाना। उदित वाला झा ये सोच रहे मैं मजा कर रहा हूँ। अच्छा, आलोक रंजन झा जी ने ये गाने को इतना खूबसूरत, और अलका जी मैंने तो कंपोजिशंस के बारे में तो मैंने बोल ही दिया, इतना खूबसूरत कंपोजिशंस है। बहुत दिन बाद एक तसल्ली हुई गा के भाई, वो लग रहा है कि मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दिन ऐसा लग रहा था कि हम 90s में बैक होके जतिन के साथ ललित के साथ हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस तरह से ललित हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक बड़ा बड़ा खूबसूरत फीलिंग था उस दिन इस गाने का, इसलिए गाना भी अच्छा हुआ आई थिंक, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, साथ में अलका जी भी थी। हाँ, तो अलका जी रहते हैं तो हम लोग हंसी मजाक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, आज नहीं है वो। हाँ, अभी आएगी ना? आएंगी शायद। हाँ तो आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मोर देन एनफ। अभी बाकी कुछ करना है तो बोल दीजिए। ओके सो सर, सबसे पहले तो गाना बहुत ही बढ़िया है, और यू नो बैक टू 90s हम वापस पहुंच गए जब गाना सुना, तो आप बताइए कैसा रहा वापस इनके साथ काम करने का अनुभव? देखिए मेरे लिए ये 90s अभी भी है, और आप लोग सबको अच्छी तरह मालूम है कि 90s अभी भी चल रहा है। गाने अब 60s के रिमिक्स नहीं हो रहे, गाने जो 90s के गाने जो अब के लोग अपने जो धुरंधर लोग आए जिनको म्यूजिक के बारे में इतनी गलत जानकारी है कि वो बना नहीं सकते, तो फाइनली वो लोग 90s के गाने ही ले रहे हैं। हाँ ये बात है। अब गाने में जैसे एक मेरा टन टनाटन गाना है, और उसके बाद उसको फिर से बनाया गया, तो मेरे और सिंगर में उतना ही फर्क है जितना मैंने सलमान खान और वरुण धवन में फर्क है। आप समझ गए ना मेरा कहने का? सलमान खान और वरुण खान में, वरुण धवन में जितना फर्क है, उतना ही मेरे गाए हुए गाने और दूसरे के गाए हुए गाने में उतना ही फर्क है। अब मेरे लिए ये 90s नहीं है, जतिन ललित में से चाहे हाँ। जो भी हो, ललित जब भी जतिन ललित का नाम आता ना तो उनका एक अलग एक दायरा होता है, वो 90s और 60s और उसके लिए उनके दायरे में 60s और 70s को वापस 90s में अगर किसी ने पेश किया है, बहुत से अच्छा मेलोडी एक आया है तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, एक हाथ नहीं चार चार हाथ है, प्लस दो मेरे हाथ हैं, छः छः हाथ हम लोग ने लगाए उसमें, दुर्गा जी के जैसे 10 हाथ होते थे हम लोग के भी काफ़ी हाथ है, तो 90s विल बी ऑलवेज द बेस्ट। एंड 90s सिर्फ 90s से शुरू 90 में ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अगर ये अगर इसका इन सब चीज़ों को अगर लोग सुनेंगे ना तो हम फिर से फाड़ डालेंगे, और ऑलरेडी पढ़ के बता ना कुछ कुछ है, मैं पढ़ के दिखा दूँ बिल्कुल, मतलब ये है ऐसा।
अभी देखिए जो ऑडियंस नहीं कहूंगा, जो सुनने वाले जो लिसनर्स है बढ़ गए, एक लिसनर्स जो बहुत हताश होके बैठा हुआ है यूं, यार जो दे रहे हैं वही खाना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो दाल चावल है जो रोज खा सकते हैं, लेकिन अब अगर आप रोज पिज्जा और रोज वही खिलाओगे तो बहुत एलर्जी हो गया, बेसिकली एलर्जी हो गया आपको। मैं बताऊं अभी का म्यूजिक इज ट्रिमेंडस, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही चीज को बार बार परोस के गर्म करके दे रहे हैं, फ्रिज में नहीं बना रहे, फ्रिज में उन्होंने स्टफ कर दिया है। हर गाना सेम, हर गाने का प्रोग्रामिंग सेम, ट्रिमेंडस अरेंजिंग है, सब सेम है, लेकिन हर सिंगर एक ही सिंगर साउंड करता है जैसे उसी ने सब गाने गाए। सो मुझे दुख नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है अंदर, दर्द लेके वो आर्थोपेडिक को भी दिखाता हूँ, बोलता पैर में नहीं आपके सीने में दर्द है, तो मेरे वो उस दर्द को कैसे मैं बयां करूँ कि सुनना पड़ता है तो जो परोस रहे वो खाना पड़ रहा है। और हम देखिए आपको एक्सक्लूसिव देंगे, जब भी देंगे ऐसा देंगे कि आप एक बार खाओगे तो बस उसी को बार बार सालों तक खाते रहोगे, सालों तक खाते रहोगे, नहीं खाओगे तो ना फिर देखना। फ्रेश की बात की है सर, तो जैसे यू नो अभी आजकल रीमेक रीमिक्स का बात जैसे किया, लगता है ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है। ओरिजिनलिटी को ही लोग ला रहे हैं रीमिक्स में, क्योंकि अब वो लोग ओरिजिनल नहीं है, दे आर द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, भैया हमको ऐसा चाहिए, दे आर नॉट द क्रिएटर। हमने जब आपको अभी भी बता दो जैसे पहले काम करते थे, आज भी हम ऐसा ही काम करते, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर फोन करता है कि दादा आ जाओ गाना एक डब करते, कोई ये नहीं बताता कि गाना रिकॉर्ड करना है, दादा एक गाना रेडी आप आ जाइए, ट्रैक रेडी आपके गा दीजिए। अरे नो सेटिंग, नो क्रिएटिविटी इस गाने में, बताओ उन्होंने क्या बैठ के क्या क्या क्रिएट किया है। आपको मेरे और जितने ले लेते हर गाने में क्रिएटिव नजर आएगा, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने लोग बोलेंगे अभिजीत का गाना गलत है बहुत, वो सबसे बुरा वो लगता है, गाना जिसका है उसका है। देखिए अभिजीत के जितने गाने सुनेंगे जतिन ललित के, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हाउ वी गो अबाउट रिहर्सल, उसमें हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं गाना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद अभिजीत हमेशा बोलता है इसका कुछ अलग बनाते हैं बिगनिंग में, और जब हम लोग बैठ के बनाते हैं या मैं बनाया अभी इस गाने में, वो जो आलाप है वो इन्होंने बनाया है, जो कि मैं भूल गया लेकिन इसको याद है। इंट्रोडक्शन इसने बनाया, हाँ, और ऐसा तो इस टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, और साथ जो होता है वो ये तभी बना सकते थे जब इनको गाना पूरा याद हो जाता। यस, और ये एक बार नहीं हुआ, पहले भी काफी बार हुआ, एक बार वो था चलते 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 में, चलते तौबा तुम्हारे इशारे का इशारे अवार्ड विनिंग गाना उसका है। वो जो तो मैं ऐसे गुनगुना रहा था, इन अरे क्या कह रहा क्या कर रहा, इसको फिर से कर तुम्हारे यार मैं याद करता हूँ, भूल तो नहीं गया, भूल तो नहीं गया, ये एक साथ है, ये हम लोग और हमेशा कोशिश करते हैं कि गाने से बिल्कुल अलग हटके एक एक चीज आना चाहिए, फिर गाने में आया चाहिए, तो उसमें मजा आता है। मेरे को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाने की आदत है, पहले एक टाइम होता था कि गाना गाए तो मतलब पता चल जाता था कि ये इन पर इनके आवाज सूट हुई, जैसे आपने शाहरुख खान जी के लिए बहुत से गाने गाए, शैलेंद्र सिंह जी थे, ऋषि कपूर, ऐसे बहुत सारे थे, तो अभी ऐसे लगता है कि वो दौर भी मतलब उस तरह से नहीं, वो प्लेबैक से ही गया, सही बात, प्लेबैक सिंगर अब नहीं है, अब सिंगर है, कोई भी बना के दे देगा, म्यूजिक डायरेक्टर से कुछ नहीं, सिंगर ने बनाया, म्यूजिक कंपनी को दे दिया, उसने कोरियोग्राफर को दे दिया, उसने हीरो को दे दिया, हीरो की वाइफ को पसंद आया, उसकी बेटी को नहीं पसंद आया, मतलब घूमता रहता इधर से वाया वाया वाया, फिर मालूम पड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है ही नहीं उसमें, किसने गाना बनाया किसी को नहीं मालूम, एक फिल्म में 8 म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें से एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे जिसमें 3 लोग हैं प्लस 5 और, तो 8 म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। अब गाना देखिए वो अब क्या मैं बोलने वाला था, बहुत अच्छी बात बोलने वाला था, हाँ, पहले सिर्फ सिंगर की आवाज़ नहीं पहचान, पहले से आप समझ जाते थे किस म्यूजिक डायरेक्टर का गाना है, आरडी का गाना बस आरडी, बप्पीदा का बप्पीदा, राजेश शोचन राजेश शोचन, लक्ष्मीनंदन पहलल, और ये कायम रहा एंड 90s 2000 तक। जतिन ललित का गाना एक गिटार के कॉर्ड और पैटर्न से समझ में आता है ये जतिन ललित का है, अगर उनका नहीं है तो इसका मतलब किसी ने उनका स्टाइल कॉपी किया, ऐसा हो जाता था, ठीक है, जैसे जतिन ललित का गाना बस से ही लोग बोलते थे
यार बिल्कुल आर डी बर्मन का वो, तो ये सर कॉम्प्लीमेंट, लेकिन और किसी के लिए बता दे कि आर डी बर्मन की चीज़ को वापस ला रहा, नहीं हो सकता सर। फिर एक ओरिजिनैलिटी हो जाती थी म्यूजिक डायरेक्टर की, लेकिन अब म्यूजिक डायरेक्टर क्या करे, क्योंकि उनके पास इतना सारा साउंड कार्ड है, यही है, सब लोग उसी से ले रहे हैं, क्योंकि म्यूजिशियन नहीं बजा रहा है, ऑथेंटिक म्यूजिशियन जो हैं वो लोग नहीं बजा रहे, सब कुछ आप लैपटॉप से लेके आ रहे हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वॉइस भी वहीं से आ रहा है। पहले तो स्टूडियो होता था, अभी सिंगर को बाथरूम सिंगर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडियो बाथरूम से भी छोटा होता है, तो सिंगर जब उसमें घुसता है केबिन में तो उसको याद आता है यार बाथरूम सिंगर करके कोई होता है, तो वही होता है। हम लोग कितने सौ सौ वायलिन पियानो ये वो आप कोशिश करें तो भी म्यूजिशियन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबने बोला क्या करेंगे, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर सब इसमें ही है, माइक पकड़ के गा रहे हैं, माइक पकड़ना आता है लेकिन मुंह बंद है, मुंह हिलाते हैं। ये एक नया दौर भी शुरू हो कि वेब सीरीज में म्यूजिक पर इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, जैसे कि आपके भी जो म्यूजिक मेलोडी है तो लोग अभी उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, बिकॉज़ डेफिनेटली म्यूजिक आल्सो अ सॉन्ग आल्सो एनहांसेस लाइक एवरीथिंग अलॉट। तो लगता है कि ये जो वेब सीरीज के इसमें दिस विल बी अ न्यू थिंग आल्सो, लाइक गानों पर वर्कआउट करेंगे लोग और अच्छी म्यूजिक डायरेक्टर और अच्छा म्यूजिक भी अभी सुनने मिलेगा। देखिए मैंने तो पहली बार देखा कि वेब सीरीज़ में म्यूज़िक को इतना इन्हेंस करके लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट म्यूज़िक का पूरा हिस्ट्री देखें तो म्यूज़िक का हमेशा हमारी फिल्म में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, मगर अभी क्या है, अभी भी म्यूज़िक का बहुत इम्पैक्ट है और डायरेक्टर्स को पता है कि म्यूज़िक बहुत अच्छा होना चाहिए तब जाके मेरी पिक्चर चलेगी, तो इतना डेस्परेशन है अच्छा म्यूज़िक के लिए कि वो म्यूज़िक ख़राब कर देते हैं। देखिए 90s के पहले सब म्यूजिक कंपनीज बंद हो गई थी, वो दौर वापस आ गया, अभी म्यूजिक कंपनी एक है भी नहीं, बंद की क्या है ही नहीं। 90s में म्यूजिक कंपनी आई, HMV बंद हो गया था, पॉलीग्राम के चार चार नाम चेंज हुए, लोगों की सैलरी बंद हो गई, ऑफिसेज बंद हो गए, वापस आए यही 90s के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स लोगों ने, एक नहीं खड़ा किया, एक एक नहीं रीजनल म्यूजिक कंपनी शुरू हो गई, ये आप नाम ले लीजिए टी सीरीज टिप्स वीनस इवन HMV जो सब टाइम सब अभी आए, सब आए सोनी यूनिवर्सल सब अभी आए, और जैसे हम लोग थोड़े से फेड आउट हुए सब बंद हो गए, खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अब कोई सिंगर बता सकता है कि मेरे उस रैक में मेरे गाने लगे हुए हैं, मेरा LP है, मेरा CD है, मेरा कैसेट, हमारा एक गाना रिलीज होता था तो पूरे दुकान में रैक में सिर्फ हमारे आ जाते थे। अब क्या है आपके पास, मेरा गाना सुनोगे ये लो, ये मेरा गाना ये अभी स्टेज पे लोग मोबाइल पकड़ के गाना गा रहे हैं, इतना बुरा लगता है। एक मोबाइल दिया दूर से इसको हाँ, तो फिर गाना कहाँ है, गाना कहाँ है, गाना तो टेक्नोलॉजी गाना इस गाना, लेकिन यू नो आज एक्टर्स भी गाना गा लेते हैं उसकी, नहीं वो मुंह से नहीं गाते बेचारे मुंह से नहीं गाते, आप गलत कह रहे हैं, अभी बैठा के उनसे बोल दे गाना गा दो, इतना मारोगे आप उनको वो बेचारे कभी उठ नहीं पाएंगे, कभी रियल में गा के बता दे, कभी नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। आप नहीं गाते नहीं है, कोई नहीं गाता है सामने एक सिंगर की वॉइस को छुपा के, इज अ वेरी स्पेशल जॉब, ऐसा नहीं इज अ वेरी स्पेशल जॉब, इट्स नॉट लाइक यू कैन डू इट ऑलवेज, आप किसी को भी बोलेंगे एक्टर में अगर कोई भी गाता है तो दैट इज स्टिल अमिताभ बच्चन, जिन्होंने मतलब सुर को गाया है, और एक किशोर कुमार आवाज भी थोड़ी सोरफुल है, अमिताभ बच्चन और एक किशोर कुमार जिन्होंने सुर में गाया। सर फ्रॉम राजोगन का जेंटलमैन तो चलते-चलते वो तो भी आई एम एसोसिएटेड विद शाहरुख खान इन मोस्ट ऑफ हिज ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज, डोंट यू थिंक टुडे शाहरुख खान नीड्स योर कॉम्बिनेशन अगेन बैडली एंड अगेन मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा, नॉट फॉर यू, फॉर सबके लिए, पूरी पब्लिक पूरा वर्ल्ड चाहता है कि शाहरुख खान के लिए जतिन ललित और अभिजीत वापस आए, और आप देखिए मिरेकल हो जाएगा, उसको फिर 10 साल कोई हिला नहीं सकेगा, इट विल बी हिज कमबैक अदरवाइज जो भी हो। देखिए आई पर्टिकुलरली फेल, इनफैक्ट आई हैड स्पोकन अबाउट दिस इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज एंड शाहरुख हैड हर्ड दिस, आई टोल्ड दैट इन द फ्यूचर द सुपरस्टार दैट विल बी रिमेंबर्ड विल बी शाहरुख खान,
बिकॉज ही इज गॉट अमेजिंग म्यूजिक इन हिज करियर. ही इज बीन वेरी लकी विद इट. ही इज ब्लेस्ड. नॉट ओनली जतिन ललित बट अदर्स ऑल्सो हु हैव गिवन हिज म्यूजिक हैव डन ट्रेमेंडस जॉब एंड दैट इज वेरी वेरी लकी. और वही आप देखिए शाहरुख खान को, राजेश खन्ना का कोई याद करता है तो कैसे याद करते हैं? उनके जो गाने हैं मेरे सब, आप ये सब याद करेंगे तो वो, दैट इज वॉट मेड हिम अ स्टार. एंड शाहरुख इज इन द न्यूअर जनरेशन, ही इज द ओनली वन हु इज गॉट कंसिस्टेंटली ट्रेमेंडस. इज अ रॉक स्टार, ओनली रॉक स्टार. इज अ रॉक स्टार, मतलब कमाल ही नहीं मिले. आप मानोगे कि आपका भी बहुत ही बड़ा हाथ है, मतलब शाहरुख खान के करियर में को लिफ्ट देने के लिए, बिकॉज़ यू वेयर आल्सो शाहरुख खान को इनकी आवाज बहुत सूट की, हमारा हम लोग दोनों का, और शाहरुख खान की परफॉर्मेंस है गानों में वो भी गानों को बहुत सूट किया है, वो भी मेड फॉर ईच अदर है. ये इट्स लाइक सलीम जावेद की जब जोड़ी थी तो थी, तो जैसे अभिजीत और शाहरुख खान की जोड़ी थी, ऐसा नहीं कि उसके बाद खत्म हो गया, कोई कोई भी नहीं कटवा. आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल विदाउट हिम और विदाउट फिल्म सॉन्ग्स, आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सबसे जीता जागर म्यूजिक अगर अच्छा चल रहा है तो सिंगर का कितना बड़ा योगदान है, कोई जीता जागता मुझे देख सकता है. आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल विदाउट सिंगिंग ऑन इन फिल्म्स. शाहरुख खान इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है, लेकिन पहले मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, बाद में हो गया लुंगी लुंगी डांस, फर्क उतना ही, वो भी चल रहा है, तो फर्क बस इतना ही है. ये देख लीजिए बच्चन साहब का लास्ट अगर म्यूजिकल देखेंगे तो दैट वार वॉज विथ किशोर कुमार. तो किशोर कुमार और बच्चन साहब का बीच में जो भी हुआ तो सीधे वो कुली और उन सब के जैसे भी गाने आए तो, लेकिन म्यूजिकल कुछ नहीं आया बच्चन साहब के करियर में. उसके बाद कोई म्यूजिकल नहीं आया, और जो भी आया तो बच्चन साहब का खुद का गाना आया एक या दो जो उन्होंने गाया, अच्छा गाया, बस उतना ही आया. लेकिन जैसे एक प्लेबैक सिंगर और एक म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन आपसे टूट जाता है तो आपका जो एक ढांचा है ना, उस ढांचे में एक वो आ जाता है, वो फिर सिलवटें आ जाती हैं. म्यूजिक का बहुत, आपने कभी इच्छा जताई, मतलब जैसे बहुत बार मिलते हो गए तो ऐसे होता है ना कि भाई चलो कुछ काम करते हैं, या उन्होंने कभी इस तरह के, हम काम नहीं करते, हमको बुलाया जाता है हम काम करते, वो लोग काम करते हैं, दे शुड कॉल अस. ये हम बहुत छोटी चीज़ है, मतलब हमको बुलाया जाता, हम लोग तो कारीगर लोग हैं, जो पब्लिक उनके मुंह से गाना नहीं सुनना चाहती, पब्लिक चाहती कि वो गाने जो अच्छा गाना हो उसको देखें, उनके ऊपर देखें, गाना तो हमसे ही सुनेंगे ना, ये जितना भी अच्छा म्यूजिक बनाएंगे इनको भी चाहिए कि इनके म्यूजिक को एक जस्टिफिकेशन मिले. हर सिंगर को नहीं बुला सकते, उसी तरह से हर हीरो पे भी हर गाना अच्छा नहीं लगेगा. सो ये होता है कि आपकी जोड़ी बन गई है, जब ये एक टीम बन गया उस टीम से आप किसी को भी हटा देंगे, कुर्सी के चार पैर है, तीन पैर वाले कुर्सी पे आप बैठ नहीं सकते, वो सजाने के लिए होता है, डेकोरेटिव होता है, और दो पैर की कुर्सी नहीं होती, दो उसमें खड़े हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन चार पैर की कुर्सी में ही आप बैठ सकते हैं. ओके सर, आपने आई नो बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी न्यू एज जो सिंगर्स है उसमें से कौन आपको? ये तो मैं पिछले, जब से मैं न्यू था ना तब से मैं न्यू जनरेशन सुन रहा हूँ. हर महीने 30 आते हैं. अभी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अभी आप यूट्यूब में जाएंगे ना तो इतने गाने हैं, इतने हजार गाने हैं, जितने गाने आए हैं, मतलब आफ्टर जब से हम कम हुए हैं और जितने आए, जितने हजार गाने हैं उतने हजार सिंगर्स हैं, और दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड सिंगर्स. आप जब उनको रियलिटी शो में सुनते हैं तो आप दंग रह जाते कि क्या गा रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? एक ही प्रॉब्लम है, वो बात नहीं है. शाहरुख खान कोई 6 फीट और 6 फीट 6.5 फीट का बंदा नहीं है. 6-6 फीट के बड़े बड़े स्टार आए नहीं चले. शाहरुख खान में कुछ बात थी, चला. आमिर खान छोटा सा है, उसमें कुछ बात थी, चला. इसी तरह सिंगर्स बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो अभिजीत में. सीधी सी बात है, सिंगर मतलब आप बहुत धुरंधर सिंगर बन गए. कोई सिंगर इनका गाना गा के दिखा दे, बता दो, इनसे पूछ रहा हूँ, जो गाना ये बनाते जो मैं गा देता हूँ, कोई और सिंगर गा दे मैं गा सकता हूँ, लेकिन मेरा गाना जब मैं इनके लिए गाता हूँ वो गाना अलग अलग एक वो बन जाता है. यू कैन नॉट, जब आप सोच स्क्रिप्ट सोचते हो कि बच्चन साहब इसमें हैं तो ये पिक्चर बनानी है, आप बच्चन साहब को हटा दो पिक्चर नहीं बनेगी. तो कुछ गाने इनके ऐसे हैं
जिसमें ये लोग सोच सकते हैं कि यार अभिजीत है, चलो ये गाना बना देते हैं। हाँ, सही बात है। और जब ये मुझे बुलाते हैं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, मैं तो बुला रहे यार मैं हकलाने लगता हूँ कि यार रहने दे यार, कोई किसी और से गवा ले, मतलब ये हालत हो जाती मेरी। मालूम है तो मालूम है। देखिए मैं काफ़ी रियलिटी शो जज किए हैं, हम लोग साथ में मिलके किए हैं, सारे गम पर वॉइस ऑफ इंडिया। मैंने देखा जो मुझे कभी कभी कोई सिंगर पसंद आता है कि नहीं ये टैलेंटेड लड़का है, इसको गवा सकता हूँ मैं, और उसको बुला के मैंने नया गाना जो अपना कॉम्पोजिशन है वो याद करा के गवाने की कोशिश की, कभी नहीं गा पाए ये लोग। ये जो किशोर कुमार के बहुत फेमस गाने हैं, इसको रट्टा मार के गाने ना एक बात है, और कोई एक नए गाने को ग्रास्प करना जो उन्होंने कभी सुना नहीं और नई कॉम्पोजिशन है, और हर कंपोजर का दिमाग जो होता है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और अपना अपना स्टाइल होता है, टू अडॉप्ट दैट स्टाइल एंड जस्टिफाई द सॉन्ग, इसमें कंपोजर को लगे नहीं मेरा गाना ठीक कर दिया, वो नहीं होता। वो जिसमें दम हो और जो बहुत ही अच्छा जिसमें डेप्थ हो वो कर सकता है। नए नए लोग पुराने गाने रट्टा मार के गा देते हैं, और कोई नया गाना उनको याद कराने बैठो तो मालूम पड़ता है कि कितना जानकार है या कितनी जानकारी है, कितना पोटेंशियल है, नहीं होता इनसे। मेरे बहुत सॉन्ग मैंने ट्राई किए कि मैं नए सिंगर से गवाऊँ, आप यकीन मानिए भाग गए, वो भी भाग गया और मैं भी भाग गया। और मैं अभी भागता हूँ। नहीं ये तो फिर भी जिद में आके गाना पड़ता है इनको, क्योंकि पुराने रिलेशनशिप हैं और इनको पता है कि बुलाया है तो कुछ करना पड़ेगा। घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं और उसको गाने को बिठाते हैं और फिर जाके टेक करते हैं। आजकल तो वो रिहर्सल का सिस्टम ही नहीं रहा। इस गाते टाइम हमने 3 दिन लिए इस गाने को। हाँ, और इसका रिजल्ट मिलेगा, लोगों को मालूम पड़ेगा, खुशी होती है कि अच्छा काम हो गया, जितना सोचा था वहां तक पहुंचाना एक कारीगरी होती है उसमें, तो वो एक जब पहुंच जाता है तब देखिए। आप जब मेहनत करते हैं तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो इसका क्या असर होगा, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि नहीं करेक्ट मैंने पहुंचा दिया यहाँ तक, और जब आपको लगेगा कि आपने कर दिया इसको अच्छा जहाँ तक आपने इसको सोचा था, पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा, आप यकीन मानिए। मुझे मालूम है जतिन ललित मुझे कब बुलाते हैं, कोई भी इजी सिंपल गाना ये होगा तो तब मुझे नहीं बुलाते, दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि चलो अभिजीत आ जा फट से गा के चला जा, वैसा गाना किसी और को बुला लेते, नहीं हुआ कभी। वो किसी और को बुला के गवा देते, जहाँ पे जब देखा तो ऐसा लगता है यार आज अभिजीत को बुलाते देखते, मतलब बहुत उड़ रहा है ना, अभिजीत को बुलाओ। और मुझे जब ये यहाँ बैठता है मैं वहाँ बैठता हूँ, बहुत बहुत तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ यार तुम मुझे अभी रिहर्सल मत करा, मेरे को दे दे। हाँ, ये हमेशा गाना पैसे दे दे और फिर मैं घर पे रट्टा हाँ, मार के फिर आऊंगा। हाँ, और फिर रिहर्सल होती है। हाँ, फिर बोलता नहीं नहीं तू अभी गा। हाँ, प्लीज ऐसा मत किया करो यार। सिर्फ टॉर्चर यार, इतने नामी सिंगर, इतना एक लोगों को मालूम है मैं अच्छा गाता हूँ, एक रेपुटेशन है, तू मेरी पूरी धज्जा उड़ा देता है रिहर्सल। आई हेट दैट, जब ये रिहर्सल पे बुलाता था आई हेट इट। सर संगीत में अंदाज़